हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू जी व्लॉग्स। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आप गूगल क्रोम पर आएँ, यहाँ पर एक लिंक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, वीज़ा गाइड का। तो एक ऑथेंटिक वेबसाइट है, यहाँ पे पूरा डिटेल्स मेंशन है, जो भी जितने भी वीज़ा टाइप्स है, क्या है क्या नहीं है, इसमें सारा कुछ दिया हुआ है इन्होंने। तो एप्लीकेशन के रिक्वायरमेंट्स क्या है, सब कुछ यहाँ पे इन्होंने दिया है। यहाँ पे इवन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म तक इन्होंने दिया है। तो मैं आपको नीचे ले चलता हूँ इस वेबसाइट पर। बिफोर यू अप्लाई फॉर द इटली वर्क वीज़ा, you have to make sure that you can, that's because the Italian government only accepts work permit application for few months every 1-2 year depending on Italy's job market and the state of immigration। ये कह रहे हैं कि Italian, याद रहे कि आपको Italian government सिर्फ accept करता है work permit limited time के लिए, कुछ limited time होता है उसके लिए accept करता है season के मुताबिक। तो यहाँ पर जो नीचे रिक्वायरमेंट्स इन्होंने दिए हैं कैसे आप वर्क परमिट और वर्क वीज़ा ले सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, हाउ कैन आई गेट एन इटालियन वर्क परमिट एंड वर्क वीज़ा एंड परमिट। तो यहाँ पे नीचे पॉइंट नंबर वन पे देखें, फाइंड एन इटालियन एम्प्लॉयर हु विल हायर यू एंड अप्लाई फॉर योर वर्क परमिट। तो ऐसा आपने कोई अपने लिए एम्प्लॉयर ढूँढना है कि जो आपको जॉब दे सके बाहर और आपके लिए वर्क परमिट के लिए भी अप्लाई कर सके। तो कोशिश कर लें आपका कोई बाहर जाने वाला हो उसके थ्रू कर लें, और अगर एजेंसीज़ भी हैं तो आप देख के कंफर्म करके कर लें, डायरेक्ट ना करें, फ्रॉड भी हो सकता है। सेकंड पॉइंट, अप्लाई फॉर एन इटालियन वर्क वीज़ा एट द इटालियन रिप्रेजेंटेशन इन योर होम कंट्री। आपने अप्लाई करना है जो आप अपने कंट्री में करेंगे, अगर आप पाकिस्तान से तो इस्लामाबाद में, अगर और कराची में, अगर आप इंडिया में हैं तो आपका जो रिलेवेंट एम्बेसी जहाँ पर करीब है, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं जिनमें आप वहाँ पे करेंगे। वो थर्ड पॉइंट, इंटर इटली एंड अप्लाई फॉर रेजिडेंस परमिट टू बी अलाउड टू स्टे एंड वर्क इन द कंट्री लीगली। तो लीगल तरीके से अब काम करने के लिए आपने वहाँ पे पहुँच के वर्क रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करना है ताकि आप लीगली वहाँ पे काम कर सकें। नीचे मज़ीद फर्दर डिटेल्स है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स भी है, यहाँ पे देख सकते हैं जो जो रिक्वायर्ड है, पासपोर्ट, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए साइन, तो ये सब कुछ आपके पास होना चाहिए। और एडिशनली अभी तक एम्बेसी ने कोई प्रोफेशनल ऑफिशियल कोई अभी तक इंफॉर्मेशन अभी तक शेयर नहीं किया है किसी के साथ भी। स्टूडेंट वीज़ाज चल रहे हैं अभी तक जो प्रीवियस ईयर्स के थे 2021 के, अभी तक उनके साथ ये वो मसरूफ़ है, इस मंथ लास्ट के बाद वो ख़त्म करेंगे। तो मैं आपको इटालियन एम्बेसी इस्लामाबाद के वेबसाइट पर भी लेके चलता हूँ, ये इनका वेबसाइट है, यहाँ पे इन्होंने अभी तक कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ सबमिट नहीं किया, आपने इंतज़ार करना है तब तक जब तक ये अनाउंस नहीं करे। आप देख सकते हैं कि 4 और 5 जनवरी को इन्होंने अपडेट दिया था कि बंद एम्बेसी बंद था 4 और 5 को, और इस टाइम की ये इस महीने के आखिर तक जो स्टूडेंट वीज़ाज थे उनके साथ ये डील कर रहे हैं, जिनको अभी जिनको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा वो लकी होंगे, जिनको अगर नहीं मिला तो वो फिर दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा उनको स्टार्टिंग से। तो आप एग्रीकल्चर जॉब्स फाइंड करने के लिए आप गूगल पे आके सिंपली एग्रीकल्चर जॉब्स इटली लिखेंगे तो इस तरह के आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन होगा, यहाँ पे 64 मोर जॉब्स लिखा हुआ है, ये सारे कंपनी से आप इनमें अप्लाई करें 1 बाय 1, 64 पे भी क्लिक कर लें तो ये सारे आपके लिए नीचे ओपन हो जाएंगे जितने भी कंपनीज हैं। तो इन्होंने अपने नंबर भी दिया हो यहाँ पे मेंशन किया होता है, तो आप इनसे कांटेक्ट कर लें। आप अपने इंग्लिश में गूगल पे आके यहाँ पे इंग्लिश में लिख के ट्रांसलेट करके उसको ट्रांसलेट इंग्लिश टू इटालियन करके आप अपना एप्लीकेशन लिख लें, जो ट्रांसलेशन इटालियन लैंग्वेज में जो ट्रांसलेट होगा उसको कॉपी करके आप इनको मैसेज कर लें, बेहतर होगा इटालियन लैंग्वेज में कर लें ताकि ये अच्छा महसूस कर सके और आपका एप्लीकेशन जल्दी एक्सेप्ट कर सके। तो वीडियो आखिर तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लाइक करें, आखिर में भी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।